दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वन कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज, यानी कि जब भी किसी को शुगर को मरीजों को खाने बताते हैं तो जिस खाने के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसे बोलते हैं वन कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज। क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई आपको इतना कार्बोहाइड्रेट खाना है, तो ये जानना बहुत जरूरी कि किस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है और किस खाने की कितनी मात्रा में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जिस खाने में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसे वन कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज बोलते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं भाई तुम नाश्ते में दो एक्सचेंज कार्बोहाइड्रेट खाओ, लंच इतना खाओ, इस तरह बोलते हैं। तो आप आज बताएंगे कि एक एक्सचेंज कार्बोहाइड्रेट का कितने खाने में होता है। तो जैसे एग्जाम्पल बताऊँगी, आप देखो ये एग्जाम्पल है, एक डबल ब्रेड का जो पीस होता है करीब 30 ग्राम का होता है, उसे एक कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज कहते हैं, उसे करीब 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और जान लो नॉर्मल लोगों में एक ब्रेड से करीब शुगर बढ़ता है 40 से 50 मिलीग्राम, और एक ब्रेड जो है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट सेम जो है एक रोटी में होता है जो 6 इंच की रोटी होती पतली सी जो कि 30 ग्राम आटे की बनी होती है। सेम 15 ग्राम होता है करीब 25 ग्राम चावल का जो कच्चे चावल का जो पका के बनाओगे जो छोटी कटोरी में आएगा, हाफ कटोरी 250 ग्राम की कटोरी, आप 250 ग्राम कटोरी घर पे बना लो, देख लेना एक बार। उसके अंदर अगर 25 ग्राम चावल पकाओगे तो हाफ कटोरी जो बनेगा उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट वो खाने होते हैं जो कि ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं, मल्टीपल ग्लूकोज, कई ग्लूकोज जुड़ के इसे ये बनाते हैं स्टार्च, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये सुना, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, गेहूं की बनी चीज़ जैसे कि ब्रेड हो गया, चपाती, नान, आटा, कोई भी जितने मिलेट होते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, सब सभी मिलेट, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। बाजरा ये हो गया, मकई, ये भी ऐसे में जितने भी ब्रेकफास्ट सीरियल होते हैं हमारे, कॉर्नफ्लेक्स, ओट, सब का है, पास्ता, नूडल, राइस, सेवैयाँ, इवन फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्ची वेजिटेबल में आलू, शकरकंदी, यम, टारो और दाल, जितने दाल होते हैं हर दाल में 50% कार्बोहाइड्रेट, दाल के अंदर हम सोचते दाल प्रोटीन है पर हर दाल में 50% कार्बोहाइड्रेट होता है। दूध, दही, छाछ, इस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। पनीर, रही जितने भी हमारे स्नैक लेते हैं हम लोग, नमकीन, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, बिस्किट, सब कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं। सिंपल शुगर होता है चीनी, गुड़ एंड शक्कर, तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट, सब कार्बोहाइड्रेट हैं। किस खाने में शुगर नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखो, वो अगर शुगर कंट्रोल नहीं होता ये ज़्यादा खाओ, इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जैसे आपका डायबिटीज कंट्रोल, आप कितना भी आप अंडे खाओ, अंडे येलो भी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं, येलो भी, मीट, चिकन, फिश में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जितने ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, नहीं होता है। जितने भी चीज़, पनीर, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ, शिमला मिर्च, बैंगन, बीन्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टमाटर, सारी जितने भी हर्ब्स होते हैं मसाले में नहीं होता है। तो पानी, कॉफ़ी, टी में कोई शुगर नहीं होता है। तो ये सब जितने मर्जी खाते हैं, ब्रोकली, ये सब, अंडे, मीट, कोई ये फ्री फूड जितना मर्जी खाओ, इसे शुगर नहीं बढ़ेगा। और हम बोलते हैं कि एक कप होता है कि 250 ml का कोई भी कप हो उसे एक कप बोलते हैं हम लोग, या 250 ml का कोई ग्लास होगा उसे एक कप बोलेंगे, ठीक है। और एक चम्मच बोलते हैं हम लोग
5 ml की चाय चम्मच को 5 ml को एक चम्मच बोला जाता है। 15 ml का जो चम्मच होता है 15 ml का उसे बोलते हैं टेबल स्पून। तो हमने बोला कि एक ब्रेड या हमारा दो छोटी इडली या एक रोटी जो छेंज की या डोसा प्लेन डोसा एक ये बराबर होंगे। इसमें होता 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। सिंपली 25 आटे की जो भी चीज़ बनेगी चाहे आटा मिलेट या कॉर्न रोल या कोई भी हो बराबर होता है। एक छेंज की रोटी पतली सी छेंज की एक रोटी चपाती में 15 कार्ब होगा। एक चौथाई नान के अंदर सेम 15 कार्ब होगा। छेंज का पराठा हो उसके अंदर सेम 15 कार्ब होगा। आपको जब भी रोटी खाओ घी मकर कुछ चुपड़ खाओ कोई भी चाहे मिलट भाकरी आए और मक्की रोटी में तीन थोड़ा मोटा जैसे 3/4 मक्की रोटी में 15 ग्राम कार्ब होगा। कोई भी ये कॉर्नफ्लेक्स टाइप चीज़ें हो एक कप 1/3 कप में आपको 15 कार्ब होगा। मूसली के अंदर 1/4 कप में 15 कार्ब होगा। कच्चा ओट 1/4 15 कार्ब है। ओट के अंदर भी कार्ब होता है। दलिया 3/4 में 15 कार्ब है। ओट कुक करके जो बनाते हैं पास्ता राइस ग्रेन बात करो तो अगर आधा कटोरी पास्ता है तो 15 कार्ब हो गया। सिमिलरली 1/3 हाफ पका हुआ जो चावल होते हैं हाफ आधा ये 15 कार्ब हुआ। सारे मिलेट सारे आधा आधा कप हाफ कप आधा होंगे सब। हाफ कप जो बनने के बाद वो होगा 15 कार्ब। दाल बात करो अगर 3/4 मान हम कटोरी लेते हैं तो 3/4 कटोरी अगर गाढ़ा है तो पतला तो पूरा फुल। अगर बहुत पतली मोटी दाल है तो आधा कटोरी भी 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। और स्प्राउट हो तो आधा में 15 कार्ब है। तो स्प्राउट के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होता है जान लो लेकिन स्प्राउट से शुगर कम बढ़ता है क्योंकि स्प्राउट के अंदर फाइबर भी है प्रोटीन है इसे कम शुगर बढ़ता है। सेम अगर सोयाबीन है या किडनी बीन जो राजमा हाफ कटोरी में 15 कार्ब है। अगर छोला भी है हाफ कटोरी में 15 कार्ब है। चाहे मटर हो या मूंग दाल हो कोई भी हाफ कटोरी में 15 कार्ब है। दूध की बात करो 1 गिलास दूध 1 गिलास या पूरा 1 कटोरी 250 ग्राम हम जो चाय बड़ा चाय का होता है मग होता है वो 1 पाव का होता है। ये कुछ नहीं तो बेकार है। ये छाछ के अंदर 1 गिलास छाछ में 15 कार्ब है। 1 गिलास छाछ से उतना शुगर बढ़ जाता है 1 गिलास दूध से। छाछ में फैट कम हो जाता है लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पूरा रहता है। सेम दही 250 ग्राम बराबर है। रायता भी 250 ग्राम में 15 कार्ब हो गया। और फल की बात करें 1 मीडियम एप्पल जो टेनिस बॉल के साइज का करीब 120 से 150 ग्राम के आसपास का उसे 15 कार्ब है। 1 छोटा बनाना करीब समझो 150 ग्राम का उसके जो गुद्दा बात करो तो करीब 80 ग्राम गुद्दा। सिमिलरली 1 संतरा या 1 माल्टा 1 कीनू करीब 150 ग्राम का में 15 कार्ब है। 1 स्मॉल पियर सिर्फ 150 ग्राम का या 2 छोटे पीचेज आड़ू में उतने कार्ब है। पपीते 200 ग्राम पपीता में 15 कार्ब है। अंगूर
हाफ कटोरी करीब 120 ग्राम खा सकते हो, 15 ग्राम, 6 लीची 15 कार्ब है, दो स्लाइस पाइनएप्पल मोटे वाले करीब समझ लो कि 150 ग्राम के आसपास 15 कार्ब है, खरबूजा 2 स्लाइस 200 ग्राम का 15 कार्ब है, आम आधा मीडियम मैंगो आधा वाला करीब 100 ग्राम का उसे 15 कार्ब है, 100 ग्राम गुद्दे बात कर रहे हैं, गुद्दे बात करें और छिलका सही जोड़ लो करीब 130-135 ग्राम आ जाएंगे, आम का अगर काट कटोरी में डालोगे तो सब मिला के तो एक पूरी कटोरी में 15 कार्ब है 15 ग्राम, आम का जूस नहीं पीना चाहिए, 1/4 बल्कि 100 ml जूस के अंदर 15 कार्ब होता है, इस प्रकार जैसे बड़ा चम्मच के किशमिश 15 ml वाले में उसे 15 कार्ब होगा, 1 आलू 100 ग्राम का 15 कार्ब है, अगर भरता बना लेते हो तो आधा कटोरी में 15 कार्ब है, आधा कटोरी स्वीट कॉर्न या आधा कटोरी ये 100 ग्राम शकरकंदी में 15 कार्ब है, ये सब देख रहे हो आपके हाफ कटोरी याम हाफ कटोरी टारो या 1/3 कटोरी ऑफ कसावा जो साउथ में खाते कसावा में 15 कार्ब होता है, 6 छोटे बिस्किट नमकीन बिस्किट 15 कार्ब है, कॉर्नफ्लेक्स 3 कटोरी मतलब कॉर्नफ्लेक्स फुला होता है में 15 कार्ब है, चूड़ा आधा 1/3 कटोरी में 15 कार्ब है 30 ग्राम या भुजिया 30 ग्राम, मखाने 1 फुल में 15 कार्ब होते हैं, नान खटाई 2 छोटे में या 2 छोटे रस में 15 कार्ब होते हैं, पोटैटो चिप्स 1 कटोरी में 15 कार्ब होते हैं, 1 स्कूप आइसक्रीम होता बड़ा वाला उसके अंदर 15 कार्ब होते हैं, चॉकलेट के छोटे 4 स्क्वायर में 15 कार्ब होगा, हाफ बर्गर 15 कार्ब है, 3 मोमो 15 कार्ब हुए, 1 छोटा थिन बेस मीडियम पिज्जा में 15 कार्ब है, इसके बाद करीब है फ्रेंच फ्राइज 10 पीस में 15 कार्ब है, हाफ समोसा 15 कार्ब है, आधा भटूरा 15 कार्ब है और 2 पापड़ जो बड़े वाले उसमें 15 कार्ब है, 4 पकौड़ा भुजिया में 15 कार्ब है, 2 पीस ढोकला 15 कार्ब है, 2 मीडियम वड़ा में 15 कार्ब है, आधी छोटी कुल्फी में 15 कार्ब है, आधा कटोरी खीर 15 कार्ब है, 1 छोटे गुलाब जामुन 15 कार्ब है, 1 छोटा मिठाई में 15 कार्ब है, तो आई होप आपने देखें किसमें कितना कार्ब होता है, तो आपको खाने में कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, अगर आपको जब आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपको करना क्या है कि हाँ आपको करना क्या कि खाने में सारे सब कार्बोहाइड्रेट हटा करके आपको मैं बोला जिससे शुगर नहीं बढ़ता वो खाना है, घर पे बाद एक कीटो आटा बनाओ, कीटो आटा उसे क्या होगा आधा किलो बादाम ले लो उसको पीस लो मिक्सी में, आधा किलो कोकोनट का पाउडर मार्केट में मिलता है घिसा हुआ वो ले लो उसको मिला के उसकी रोटी बनाओ, उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बेसिकली आपको क्या है कि प्रोटीन फैट खाना है, उससे लीवर अपने आप जोर से आप ग्लूकोज बनाते रहेगी, हो क्या रहा है कि आपके अंदर एक तो इंसुलिन कम बन रहा आपका लीवर फैटी है, तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है, मैं बोला 1 ब्रेड में 15 ग्राम ग्लूकोज होता है, 1 रोटी जो बड़ी पतली बोला मैंने 25-30 ग्राम की, नॉर्मली रोटी बनती है 40 ग्राम बनती है तो 1 रोटी नॉर्मली 22 ग्राम ग्लूकोज होता है नॉर्मली बनती है एवरेज उसके, आपके मेस में तो इतना पता को बनाया गया नहीं बीवी जैसे, तो 1 रोटी में समझ जाना 40-30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज होता है ग्लूकोज, जहाँ खाओगे ब्लड में ग्लूकोज आएगा और ग्लूकोज लीवर में आपके फैट भरा होगा आपके तो लीवर को लेगा नहीं ब्लड में घूमता रहेगा क्योंकि लीवर में फैट भरा हुआ है
मसल फैट भरा पड़ा, आप तो मोटे भी हैं, तो वो ब्लड में घूमता रहेगा, जब तक चल के उसको जलाओगे नहीं वो शुगर बढ़ा रहेगा। तो जिसका भी शुगर कंट्रोल ना हो उसके बेस्ट यही है कि आपको कार्बोहाइड्रेट खाने की जरूरत नहीं है, आप बादाम कोकोनट की रोटी खाओ, जिसे बोलते कीटो आटा बोलते हैं, पेट भरने खूब 5-6 चम्मच घी मक्खन डेली खाओ, खूब बादाम खाओ, पिस्ता खाओ, पनीर खाओ, कोकोनट खाओ, दाल के चीला खा लो, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएंगे आपके, और अंडे 5-6 अंडे रोज खाओ, अंडे का ऑमलेट खाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाओ 5-6 चम्मच डेली खाओ, भरपेट खाओ, खाओ इससे खाओ, खूब सलाद खाओ, हरी सब्जी खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, वेजिटेबल का स्मूदी बनाओ ग्रीन वेजिटेबल का, खाने की स्टाइल बदलनी पड़ेगी। तो आप ऑलरेडी पूरी गोली खा रहे हो, आपको इंसुलिन चेक कर देखना, इंसुलिन आपको कम निकलेगा आपको। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम खाओगे और दिन में 2 बार खाओ, ऑलरेडी 2 बार खा रहे 2 बार खाओ, तो आपको शुगर कंट्रोल हो जाएगा बिना इंसुलिन के भी। आपके अंदर लीवर फैटी होने की वजह से, मसल फैटी होने से कोई ग्लूकोज ले नहीं रहा है। आपके लिए एक रोटी भी खाओगे तो शुगर कम से 100 पॉइंट बढ़ेगा। नॉर्मल के डायबिटिक कंट्रोल उसके एक रोटी से कम से 50% शुगर बढ़ता है, आपको 100 बढ़ेगा। तो आपको लीवर फैटी मसल फैटी है कोई लेने तैयार नहीं उसको, क्योंकि ग्लूकोज को ब्लड में से हटा के मसल में लीवर में फैट डालने के लिए इंसुलिन चाहिए, आपके पास इंसुलिन है नहीं, प्लस ऑलरेडी लीवर फैट भरा पड़ा, उसको जगह नहीं उसके पास है। तो अगर आप बेसिकली से बोलते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, उसका वीडियो देख लीजिएगा मेरा, तो डायबिटिक कंट्रोल हो जाएगा आपको। हम ना खाएंगे शुगर ना बढ़ेगा शुगर, हमारे लीवर के अंदर क्षमता होती है कि फैट से प्रोटीन से अपनी जरूरत से आप ग्लूकोज बनाते रहे, समझे आप। तो आपने देखा कि कितने खाने 15 कार्ब है, अगर आपकी गोली कंट्रोल नहीं कर पा रही तो आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाना पड़ेगा। एक होता है कीटो डाइट, पूरे दिन में मुश्किल 30 ग्राम कार्ब खाया जाता है, कम से कम कार्ब खाओ, जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करो कम खाओ, और जान लो जीवन भर नहीं भी खाओ कार्बोहाइड्रेट तो बॉडी अपने प्रोटीन फैट बनाती रही, कोई बॉडी नुकसान नहीं होगा। अनाज एकदम जरूरी नहीं, बॉडी के लिए एकदम जरूरी नहीं है। दिन भर मैक्सिमम दूध अलाउड आपको 1/2 लीटर सब मिला के। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि कैसे डायबिटीज कंट्रोल किया जाए।